नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 11 सावित्री बाई फुले। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सा यह है चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में से कुछ अच्छी बातें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। अब हम इसको शुरू करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। अब हम इसको शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्चात। ऊपर बने हुए चित्र को पश्चात देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का वर्तते है। इयम् सामान्यः पाठशाला नास्ति। इयम् सामान्य यह सामान्य पाठशाला नास्ति पाठशाला नहीं है। ने प्लस अस्ति नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम् अस्ति इयम् यानी कि यह अस्ति यानी कि है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला अस्ति है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका गृहात् घर से पुस्तकानि पुस्तकें आदाय यानी कि लेकर के चलती चलती है। मार्गे कश्चित् तस्य ऊपरी धूलिम कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति। यानी कि रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं तो कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर क्षिपति फेंकते हैं। परम परंतु सा स्वदृढ़ निश्चयात् ने विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वे विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती। स्वे विद्यालय अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ स विनोदम प्रसन्नतापूर्वक आलपंती बात करती हुई सा अध्यापने संलग्ना भवती अपने अध्यापन में लग जाती है। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपि सहसैव प्रचलित। तस्य स्वकीयम उनका खुद का अध्ययन भी सहसैव इसी के साथ चलता है। केयम महिला ये दो शब्द हैं। का प्लस इयम का यानी कि कौन। इयम यानी कि यह महिला महिला यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिला जानीथ। अपि का अर्थ होता है भी। यदि अपि वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम इसका अर्थ लेते हैं क्या। यूयम प्लस इमम ये दो शब्द हैं। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एव यही महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। यही है महाराष्ट्र के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री ए जायत है। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में स्थित एक स्थान पर सावित्री बाई का जन्म होता है। तस्य माता लक्ष्मी बाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता का नाम लक्ष्मी बाई और पिता का नाम खंडोजी था। नववर्ष देशिया सह ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणितः। 9 वर्ष की उम्र में ही उनका सह यानी कि जो ये थी ना आपकी सावित्री बाई ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता इनका विवाह हो गया। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत। सो अपि वह भी उस समय केवल 13 वर्ष के ही थे। जो ज्योतिबा फुले थी वह जब इनका विवाह हुआ ये उस टाइम बस 13 वर्ष के थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। फिर भी वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती।
अतः इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा उत्साह को प्राप्तवती प्राप्त हुई। इतः परम सह सहग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, और इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अपि भी अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ यानी अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रदेश का प्रथमं विद्यालयम् आरभत, प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीम सा केवलम 7 वर्षीया आसीत, तदानीम तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्ध। 1851 में अस्पृश्यत्वात् यानी कि छुआछूत के तिरस्कार वाले समुदाय की बालिकाओं के लिए भी उन्होंने पृथक्तया अलग से एक विद्यालय प्रारंभ किया, यानी कि जो तिरस्कृत समुदाय होता है उनकी बालिकाओं के लिए भी इन्होंने एक अलग से विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री बाई ने मुखरम खुल करके विरोध किया। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलतः, देखो जो लेडीज़ उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे उस टाइम उन जो विधवा औरतें होती थी तो उनके सिर के बाल काट दिए जाते थे। इसका विरोध करने के लिए, इस परंपरा का विरोध करने के लिए वह सावित्री बाई साक्षात नापिते मिलतः, वह साक्षात नाइयों से मिलती थी। फलत है केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम ए त्यजन, फलस्वरूप कुछ नाई अस्याम इस रूढ़िवादी परंपरा में अपना सहभागिता उन्होंने त्याग दी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इसके बाद जब वह जो सावित्री बाई थी नाइयों से मिलती थी, उनको समझाती थी कि ये परंपरा गलत है, तो फिर नाइयों ने भी अपना जो योगदान था उस परंपरा में देने से मना कर दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री बाई के द्वारा मार्ग में रास्ते में देखा गया यत कि कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्र व्रता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म, कि एक बार सावित्री बाई के द्वारा रास्ते में देखा गया कि कुएं के पास कुछ फटे हुए वस्त्र वाली शीर्ण वस्त्र व्रता फटे हुए वस्त्र वाली निम्न जाति की महिलाएं, नार्य महिलाएं जलम पातुम याचन्ते स्म, पानी मांगने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम ओ कुरवंतः, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वह उनका उपहास कर रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी। कूपात जलोद्भरणम अवारयन, वह उनको कुएं से पानी भरने के लिए मना कर रही थी। सावित्री एतत अपमानम सोढुम ने अशक्नोत, सावित्री वाई एतत इस अपमान को सोढुम ने अशक्नोत नहीं सह पाई। सा ता स्त्रह निज क्षेत्रम नीतवती, सहा वह सावित्री बाई उन स्त्रियों को निज क्षेत्रम नीतवती अपने घर लेकर आ गई। तत्रह तड़ाग दर्शित्वा एकथ्यत, और तालाब को दर्शित्वा दिखा करके एकथ्यत कहा यत यथेष्टम जलम नयत, कि जितनी इच्छा हो जलम नयत उतना जल ले लीजिए। सार्वजनिको अयम, यह सार्वजनिक है, सार्वजनिक प्लस अयम, अयम यानी कि यह सार्वजनिक है, तड़ाग यानी कि तालाब, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसमें जल लेने में ने प्लस अस्ति नहीं है जाति बंधनम, जाति का कोई भी बंधन, इस तालाब से पानी लेने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्राश्च पश्च
काक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थतः। तया वह सावित्री बाई मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष के लिए हमेशा हमेशा समर्थतः समर्थित रही हैं, या उन्होंने इसका हमेशा समर्थन किया है। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रति बंधनक ग्रहम इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रति बंधक ग्रहम इन दो संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपतियों, दंपत्ति जो पति पत्नी होते हैं उनको कहते हैं हम दंपत्ति, तो फुले दंपत्ति का अवदानम महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण योगदान था। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रहम ये दो, इन दोनों की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण स्थान रहा या इनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा था। सत्य शोधक मंडल से गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बाई का अत्यधिक सक्रिय थी, इसमें भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। सत्य शोधक मंडल में भी सावित्री बाई सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत, अस्य मंडलस्य इस मंडल का उद्देश्यम आसीत उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकरण प्रति जागरणम इति, कि उत्पीड़ित समुदाय के स्वाधिकरण यानी कि अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, जो उत्पीड़ित समाज है उसके समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालितवती संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सह पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। दुर्भिक्ष काले यानी कि अकाल के समय, प्लेग काले प्लेग के समय सा पीड़ित जनानाम उन्होंने पीड़ित जनों की अश्रांतम बिना थके हुए, अविरतम बिना रुके हुए च सेवाम अकरोत उन्होंने सेवा की। काल के समय यानी कि अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों के बिना थके हुए बिना रुके हुए सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भी हमेशा उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारत सह स्वयं असाध्य रोगीण ग्रस्तः। महारोग प्रसार काल के समय सेवा करते हुए वह स्वयं असाध्य रोगों से ग्रस्त हो गई। 1897 में तमे ख्रिष्टाब्द दिवंगत और 1897 में वह दिवंगत हो गई या वह स्वर्गवासी हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना की दृष्टि से भी जो सावित्री भाई हैं उनका महान योगदान रहा है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके दो काव्य संकलन प्राप्त होते हैं, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेति। एक तो है उनका काव्य फुले, दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम ध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। भारत देश में महिलाओं की स्थिति का गहन अध्ययन करने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का आपको हमेशा ही अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। ये था आपका चैप्टर नंबर 11 सावित्री बाई फुले। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराया है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं आपको भी ध्यान रखनी है। हमेशा जीवन में मेहनत करते जाना, बहुत मेहनत करना और आगे नाम रोशन करते जाना, जैसे जो कि आपको इतिहास में लोग इसी प्रकार से याद करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, एक दो बार रिवीजन जरूर करें, सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, डेली पढ़ें।
पर डे पढ़ें, रेगुलरिटी हमेशा अपनी पढ़ाई में रखें। आपको रेगुलर पढ़ना है, जब आप खा रेगुलर सकते हो, पहन रेगुलर सकते हो, सो रेगुलर सकते हो, तो पढ़ भी रेगुलर सकते हो। तो इसलिए हमेशा रेगुलर पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।